नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने YouTube चैनल अंकित अवस्थी व्लॉग्स में स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों के अच्छे रहने की आशा करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस बार मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फिर रूबरू हुआ हूँ। उसका कारण है कि अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2022 को मेरी बेटी हुई है और उसी में मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा था कि मेट्रो की अपडेट और क्या क्या मेट्रो में काम हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज श्याम पैलेस से लेकर के गौशाले तक कितना काम हुआ है। और आप ये देख ही सकते होंगे, यहाँ पर बैरिकेड्स लग चुके हैं और कितना काम हो रखा है। और आगे चल के मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि खम्भों के जो एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है उसके लिए जो खम्भे बन रहा है उसका काम कितना शुरू हो रखा है और कितना नहीं। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे और आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि कितना काम आगे हो रखा है। तो चलते हैं आगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर खम्भे के लिए जाल तैयार कर दिया गया है और अभी इसके नीचे नीचे बेस भी बनाया जा रहा है और इसके बाद इसमें कंक्रीट डाली जाएगी और ताकि ये मजबूत होगा। तो अब मैं थोड़ा सा पास आ गया हूँ और आप ये देख सकते हो ऊपर ये बढ़िया से यहाँ पर लगा दिया गया है। और अब चलते हैं आगे और देखिए आगे भी खम्भों में ऐसे ही कर दिया गया है। तो ये अभी बारह देवी से ले करके श्याम पैलेस तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन हाँ उसके आगे जहाँ वो सब्जी मंडी की रास्ता गई है वहाँ तक का काम जाल ये खम्भों वाला पहुँच गया है। और अभी आगे आगे थोड़ा खोद भी दिया गया है खम्भे के लिए और अभी बेस उसका तैयार किया जा रहा है। और इस समय हम जो है SR पेट्रोल पंप के पास जो कि अब नायरा हो चुका है पहुँचने वाले हैं और आगे देखते हैं और कितना काम कायदे से हो रखा है। तो आज हमने आप सोचा था कि पूरा आपको एक मैसेज भी आ रहे थे कि नौबस्ता तक का दिखाइए, तो आज मैंने सोचा गौशाले तक का दिखा दूँ। तो यहाँ देखिए कुछ काम चल रहा है, कुछ वर्कर्स यहाँ लगे हुए हैं और ये बेस तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे जाल डाल रहे हैं और ऊपर ये देखिए यहाँ भी कुछ वैसे ही खम्भे के लिए जाल तैयार कर दिया गया है, बिल्कुल रावण ऐसा लग रहा है देखिए देखने में। और ये भी देखिए कुछ तैयार किया गया है और इस समय हम नायरा पे आ चुके हैं और जो कि पेट्रोल पंप है बारह देवी में। अब हम आपको सीधे बारह देवी मेट्रो स्टेशन का काम दिखाएंगे कि वहाँ का काम कितना पहुँच चुका है और देखते हैं चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का काम। तो इस समय हम बारह देवी चौराहे पर आ चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि बारह देवी चौराहे पर मेट्रो स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पर मेट्रो के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और यहाँ पर क्रेन जो है गड्ढा खोदने का काम कर रही है और नाली लाइन बना रही है, क्योंकि वहाँ पर पानी के जो नाली वाले पाइप होते हैं ब्लैक कलर के जो रखे रहते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये देखिए ये रखे हुए जहाँ पर ये आदमी नीली शर्ट पहने खड़ा हुआ है और यही पाइप अंदर जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पास आ चुका हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ दिखा सकूँ काम। और ये देखिए मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की, यहाँ पर वो सफाई कर रहा मिट्टी का और जो और है जो एक्स्ट्रा क्रेन नहीं निकाल पाई है वो उसके थ्रू निकाली जा रही है और देखते हैं। और ये देखिए कुछ यहाँ पर भी काम चल रहा है और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे आपको और काम दिखाने के लिए कि और मेट्रो में क्या काम हो रखा है। तो आज हम आपको पूरा जो है गौशाले तक का काम दिखाएंगे, तो भाई बने रहिएगा एंड तक और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो भाई चलते हैं अभी आगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और कितना काम हो रखा है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे और यहाँ पर और देखते हैं क्या काम हो रखा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये बारह देवी की साइड है और ये अभी हम आपको उधर लाल पैलेस की साइड से दिखा रहे थे, अब हम ये आपको बारह देवी साइड से दिखा रहे हैं जो बारह देवी मंदिर की तरफ वाला रास्ता जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने गड्ढा खोद रखा है और
काफ़ी हद तक यहाँ काम हो रखा है। और अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको बताते हैं चल के कि आगे क्या काम है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पाइप डालने का काम चल रहा है और बिजली के वायर जो अंडरग्राउंड पड़ते हैं वो डालने का काम चल रहा है और गड्ढे खोदने में। और ये देखिए यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि खंबा खोदने, खंबा के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा वो लगा दिया गया है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से और क्या हो रखा है। ये देखिए, अब यहाँ से मैंने यहाँ से ये पर्दा उठाऊँगा और ये देखिएगा, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही काम वर्क हो रखा है। तो देखने में भाई ठीक ही है भाई, ज़्यादा वर्क तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब आगे जब चलते हैं तो और क्या देखते हैं वहाँ पर, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा, और उनको पता चलेगा कि आगे क्या काम हो रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर बारह देवी के मुकाबले काफ़ी हद तक काम हो चुका है, खंबे में भी कायदे से सीमेंटेड कर दिए गए हैं और अभी ऊपर उनका फिलअप बाकी है और कुछ जगह भी बाकी है और कुछ जगह उन्होंने ठीक कर दिया है। बिल्कुल दूर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रावण खड़ा हो। तो आप यहां देख सकते होंगे कि ये कुछ वर्कर्स इधर खड़े हुए हैं और ये देखिए कुछ वर्कर्स इधर खड़े हुए हैं और अपना आगे का प्लान डिसाइड कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए यहां पर ये इन्होंने अभी यहां पर वो सीमेंटेड वाला खंभा नहीं बनाया, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है और ये अभी काफ़ी नीचे तक भी जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि बेस तैयार करने में और ऊपर जब ट्रेन निकलेगी तो पुल गिरना पड़े, इसलिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। और ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने चाल आल तैयार कर रखा है कायदे से और यही आगे जाते जाते गौशाले तक पूरे में आपको यही दिखेगा काम। और काम इनका यहाँ पर कुछ तेज हुआ है क्योंकि अभी इधर जो ट्रांसपोर्ट नगर और आपका छकरकटी मेट्रो स्टेशन है वहाँ का काम जो है अभी जोरों शोरों से पकड़ रखा है और जब तक उसमें आधा पर्दा काम हो नहीं जाएगा, आधे से ज़्यादा, तब तक ये लोग अपना काम तेज़ नहीं करेंगे क्योंकि भाई एलिवेटेड ट्रैक का काम तेज वैसे भी हो जाता है काफ़ी और काफ़ी जल्दी निपट जाता है काम। तो भाई बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में और देखते हैं कितने दिनों में इन लोग का ये वर्क पूरा होता है यहाँ पर और कितने दिनों में ये जाम लगना ख़त्म होता है इस जगह पर। और आज मैंने सोचा ही था कि आप लोगों को इसका वर्क दिखाने का था और बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी भाई। मैंने अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को बता दी है कि क्या प्रॉब्लम थी, मेरे घर में मेरी बेटी हुई है और उसी में मैं अब उसी कामों में थोड़ा फंस गया था। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक जल्दी जल्दी हर जगह की अपडेट पहुँचा सकूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे और आगे देखते हैं और क्या हो रखा है। तो आप ये जो क्रेन देख रहे हैं और ये देख सकते होंगे आप कितनी लंबी क्रेन है और कितनी ऊंची क्रेन है, इसी क्रेन के थ्रू गड्ढा होता है जो कि पिलर बनाने में काम आता है और उसी में सारे काम होते हैं। ये हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर जहाँ जहाँ एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है वहाँ वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढा करती है ताकि वहाँ पर वहाँ जो है आगे का काम चल सके। और ये देखिए यहाँ पर खंभे में सीमेंटेड कर भी दिया गया है और देखिए यहाँ के जितने आगे वाले खंभे हैं, जो गौशाले के पास वाले खंभे हैं, सबको अधिकतर बना दिया गया है। तो
थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बैरिगेट्स खोल दिए गए हैं और मैं आपको वहीं से दिखा पा रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ पर भी खंबा ये तैयार कर दिया गया है और यहाँ कहीं कहीं खंबे को नहीं बनाया गया है, जो कंक्रीट बीच में डाली जाती है वो किसी किसी खंबे पे नहीं डाली गई है और वो भी आगे चल के डाल दी जाएगी। और आगे और चलते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि क्या काम हो रखा है। तो भैया ये लोग अंदर तो जाने दे नहीं रहे, कह रहे हैं कि भाई ठीक है जो है आप बाहरी से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि भैया अंदर नहीं जा सकते हो, आप जो करना हो बाहर से करें और ये हमारे नियम के उल्लंघन है और इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है और ये देखिए एक वर्कर खड़ा हुआ है इस खंभे पर और जो जाल बनाने वाला है ये देखिए आगे का इस बेस तैयार कर दिया गया है, इसमें अब कंक्रीट भरी जाएगी और वैसे ही खंबा तैयार कर दिया जाएगा। तो खंबे के लिए भी एक रोलर टाइप का आता है, जैसे साचा जिसको बोलते हैं, रोलर मैं कह रहा हूँ, तो वही इन सब खंबों में पहले लगाया जाता है और फिर जो है कंक्रीट भरी जाती है और साचा जो है वो हटा दिया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और गौशाले तक आपको काम दिखाते हैं क्या और हो रखा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई कि मैं आपको इसलिए नहीं आगे भी और दिखा पाया था क्योंकि गौशाले के आगे, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी जिससे मैं वीडियो बनाता हूं, तो भाई उसके लिए सॉरी चाहता हूं। आपको कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में गौशाले से लेकर के नौबस्ता बाईपास तक का काम आपको दिखाऊं और बताऊं कि आगे क्या काम हो रखा है। तो चलते हैं आगे और ये देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही तैयार कर दिया गया, थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे ही स्ट्रक्चर्स ये देख सकते हो गए आप तैयार कर दिए गए हैं और ये जो देखने में अच्छे लग रहे हैं और देखते हैं भाई और कितने दिनों में इनका काम पूरा हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।